दोस्तों, अगर आप भी आधार पेमेंट वाली कोई सर्विसेज यूज करते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं इन फ्यूचर, और ढूंढ रहे हैं कि हम कौन सी आधार पेमेंट वाली सर्विसेज यूज करें जिसमें कि हम अंगूठा लगावा कर अपना या फिर अपने कस्टमर्स का पैसा निकाल सकें, कि पैसा उसका विड्रॉल कर सकें, तो अगर आप भी ऐसी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ढूंढते समय आपको इजी पे नाम का एप्लीकेशन जरूर आया होगा। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं इजी पे एप्लीकेशन के बारे में, तो मैं इसकी इस एप्लीकेशन की कुछ काली सच्चाइयों को आपको बताने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगी और आप इस एप्लीकेशन को एक तरह से यूज करने से बचें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन में आपको तमाम सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जो कि आधार पेमेंट से रिलेटेड मिलती हैं। इसमें आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, सामने वाले का बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं, किसी को दूसरे अकाउंट से पैसा निकाल के आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आप सारी सर्विसेज तो मिलेंगी, लेकिन जैसे ही आप किसी कस्टमर का बैलेंस विड्रॉल कर देंगे तो आपके वॉलेट में तो इंस्टेंट आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। लेकिन जब उस वॉलेट वाले बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने जाएंगे तो फिर मेन झमेला यहीं से शुरू होता है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि मैं मतलब ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी कर रहा हूँ या फिर मैं मतलब मेरी बात आप क्यों माने ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। मैं इसको लगभग 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से यूज कर चुका हूँ, मैं इसका पूरा रिव्यू दे सकता हूँ। साथ ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने यूज किया है और मैंने इसमें कितना ट्रांजेक्शन किया है। अगर आप इसमें 100-200 रुपए का ट्रांजेक्शन करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें 1,000, 2,000, 5,000 ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब 1,000 से ऊपर वाले ट्रांजेक्शन करेंगे, तो फिर उस पैसे को आप ट्रांसफ़र करने में इंस्टेंट नहीं कर पाएंगे, उसे आप 1 दिन, 2 दिन या फिर 3 दिन भी लग जाएगा ट्रांसफ़र करने में, या फिर कई बार तो महीनों भी लग जाते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इनके हम कस्टमर केयर से बात किए तो मतलब ये बोलते हैं टेम्पररी, एक तरह से कुछ इरर है, कुछ समय बाद फिक्स हो जाएगा, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं होता है। लगभग काफ़ी सारे लोगों का महीनों महीनों तक पैसा वहाँ पर 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार फंसा रह चुका है। साथ ही मेरा भी यहाँ पर 8,000 रुपये फंस गए थे, लेकिन मैंने कुछ ट्रिक लगाकर फिर इस पैसे को हमने विड्रॉल कर लिया है। और आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को कतई ना लें, इससे बेटर यही है कि आप कोई मतलब अगर आप CSC वाली हैं तो फिर आपको कई सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी, तो किसी अदर सर्विसेज पर स्विच कर सकते हैं। अगर इजी पे को आप सेलेक्ट करने वाले थे तो आप इजी को पे को बिल्कुल भी सिलेक्ट न करिए, अगर मेरी माने तो, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अब बाद में आपको यही याद आएगा कि मैंने आपको बताया था कि इसको यूज नहीं करना है, लेकिन आपने किया और आपको यहाँ पर पैसा फंस चुका है। मैं अब चलता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मेरे पास यही फ़ोन है तो मैं इसी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसको यहाँ से मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम चलते हैं ईजी पे एप्लीकेशन में, देन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन वगैरह दिखाऊंगा कि ताकि आपको यकीन हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यकीन नहीं करते हैं कि मैं फेक या फिर कुछ ऐसी ही मतलब गलत अफवाहें फैला रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 101.98 रुपये हमारे ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि ये फंस चुके हैं। मैं इसको विड्रॉल करने जा रहा हूँ तो विड्रॉल नहीं हो रहा है। देन मैं ट्रांजेक्शन में चलता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री क्यों नहीं दिखा रहा है, एक सेकेंड, व्यू स्टेटमेंट पर शायद मैं मतलब एक सेकेंड इसको मैं अप्लाई करता हूँ। इस एप्लीकेशन कितनी बाहियात हरकतें हैं कि मतलब इसमें कोई भी सर्विस ठीक से काम ही नहीं करी। इसको हम व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पर नहीं सो रही, जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन मैं ट्रांजेक्शन्स वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ पर नो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 8,500 रुपये का ट्रांजेक्शन हमने किया था जो कि विड्रॉल करने में मुझे पसीने छूट गए थे। मैं काफ़ी टाइम से विड्रॉल कर रहा था लेकिन विड्रॉल नहीं हो रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 200 रुपये, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे यहाँ पर विड्रॉल किया हूँ तो जो कि यहाँ पर दिखा नहीं रहा। मैं ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ तो मतलब नो दिखा दे रहा है। साथ ही इसको हम ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, AEPS विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र, इजी पे, ATM, आधार पेमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, सभी मिल जाएंगे, लेकिन सभी बहुत आसानी से वर्क करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पैसे विड्रॉल की बात आती है या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की बात आती है तो फिर यह एप्लीकेशन अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है, और इसमें आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है कर ही ना पाएँ। अगर कर पाएंगे तो लगभग आपको 10 दिन, 5 दिन या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा ट्रांसफ़र करने में।
तो यही कुछ एप्लीकेशन का मतलब एक तरह से कड़वा सच है, तो आप इस्तेमाल करने से बचें। मैं तो ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना चुका हूँ, तो इसलिए इसको मैं अभी फ़िलहाल इंस्टॉल करने वाला हूँ। साथ ही अगर आप इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो बिल्कुल बचें। मैं इनके कस्टमर केयर से काफ़ी बार बात किया, तो मतलब इनके कस्टमर केयर का मतलब इतना एक तरह से इतना बाहियात सपोर्ट है कि वो लोग बोलते हैं कि टेम्पररी है, लेकिन वो इनका कोई ऐसा सलूशन बता ही नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपकी काफ़ी मतलब हमने आपको काफ़ी हेल्प की होगी। अगर आप आधार पे सर्विसेज यूज करने जा रहे होंगे तो मतलब इस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी ना यूज करें, आपके फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है।